आपको सीलिंग दिखा रहे हैं जो कि वर्ली तक ये जाता है। इससे बहुत समय में दूरी तय हो जाती है वर्ली जाने के लिए, करीबन 5 से 10 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है। और ये बैंड्रा रिक्लिनेशन से हम लोग गुजरते हुए दोस्तों यहाँ की खूबसूरती अपने आप में बड़ी ही लाजवाब है। ये बैंड्रा के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है और ये लव मुंबई, तो क्या कहने इसके, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसका एक और नज़ारा हम आप लोगों के लिए आज स्पेशली लेकर आए हैं, जिसे वाइड शॉट में भी हम आप लोगों को ये लव मुंबई का दिखाएंगे। कितनी खूबसूरत तरीके से ये देख सकते हैं आप वाइड शॉट में लव मुंबई, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप ये बिल्डिंग, गगनचुंबी इमारतें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। और ये ब्रिज, जिस ब्रिज के नीचे से हम लोग होकर आए हैं, इस ब्रिज को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है दोस्तों। और अब हम निकल पड़े हैं आप लोगों के लिए, संजय दत्त साहब, रणबीर कपूर और टाइगर श्रॉफ का घर दिखाने के लिए। ये बैंड्रा की खूबसूरती को दिखाते हुए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों। इसी दौरान महबूब स्टूडियो भी पड़ता है पास में ही। हम पहले आपको महबूब स्टूडियो घुमाएंगे, जिसमें कि सलमान खान, शाहरुख खान साहब ज़्यादातर यहीं पर शूटिंग करते हैं। उनके घर से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये महबूब स्टूडियो। के अंदर का दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर शूटिंग चल रही है। ये वैनिटी वैन है, इसमें आर्टिस्ट लोग बैठा करते हैं। और यहीं पर एक समय में रफ़ी साहब यहाँ पर, ये ऊपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो हुआ करता था, रफ़ी साहब भी यहाँ पर गाने गाया करते थे और उनके कैसेट्स आज भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये महबूब स्टूडियो से कलाकार निकल के बाहर जा रहे हैं। और ये महबूब स्टूडियो बहुत ही पुराना है दोस्तों, मुगले आज़म के ज़माने का ये महबूब स्टूडियो है। महबूब साहब ने ही मुगले आज़म फिल्म का निर्माण किया था। ये महबूब स्टूडियो से अब हम आगे निकल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग आपको दिखाएंगे टाइगर श्रॉफ का घर। ये सीढ़ियाँ आपने ये माउंट मैरी चर्च के लिए जाती है। इस रास्ते पर आपको ऊपर नहीं जाना है, नीचे की साइड जाना है। नीचे की साइड जाएंगे तो ये आप, ये बिल्डिंग जो है ये आप देख सकते हैं, वास्तु बैंड्रा। वास्तु बैंड्रा के नाम से ये बिल्डिंग है, इसी में टाइगर श्रॉफ रहते हैं और अपने पिताजी के साथ में ये यहाँ पर निवास करते हैं दोस्तों। बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद में इन्होंने बड़ी मेहनत करके ये फ्लैट लिया है यहाँ पर। जैकि श्रॉफ के बेटे हैं ये। जैकि श्रॉफ ने हीरो फिल्म से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। काफ़ी बीच में कुछ बुरा समय भी आया था, लेकिन अब उनके बेटे आ गए हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में दे रहे हैं। ईश्वर उनको कामयाब करे और भी इसी तरह से। और रणबीर कपूर, कपूर खानदान के चिराग, इन्होंने भी बड़ी ही शानदार और जानदार फिल्में दी हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। अभी हाल फिलहाल में ये शूटिंग कर रहे हैं और इन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि एक्सरसाइज इंसान को करना होता है। किसी ना किसी तरीके से आपको अपने शरीर को फिट रखना है। और ये हम लोग ये पाली हिल जो है पहाड़ी पे बसा हुआ है, जोगस पार्क से करीबन पास में ही है। और ये हम लोग रणबीर कपूर के घर पर जा रहे हैं। रणबीर कपूर का घर यहीं पास ही में है, बस कुछ 1 मिनट का रास्ता और शेष है। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो जाएंगी
और ये अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं रणबीर कपूर साहब के घर पर। रणबीर कपूर जो है ये वास्तु बिल्डिंग पाली हिल पर है, इसी में निवास करते हैं। ये वास्तु बिल्डिंग आप ये पीछे आप देख सकते हैं, ये यहीं पर अपने फिलहाल इन्होंने ये अकेले यहाँ पर रह रहे हैं। उनके पिता श्री ऋषि कपूर भी यहीं पास ही में पाली हिल पे रहते हैं, लेकिन इन्होंने भी कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया है दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों दिलीप कुमार साहब का भी घर है। दिलीप कुमार साहब का घर भी जस्ट इनके, ये देख सकते हैं आप जैसे ही राइट मारते हैं, ये दिलीप कुमार साहब का सोलिटेयर बिल्डिंग में ये जो है घर है, इसी में सायरा बानो के साथ में रहते हैं। और उसके जस्ट आगे ही ये बाबा का घर है संजय दत्त साहब का। ये पूरी बिल्डिंग संजय दत्त साहब की है और ये आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग का नाम जो है दोस्तों इंपीरियल हाइट के नाम से ये बिल्डिंग जानी जाती है। तो जस्ट बिल्कुल दिलीप कुमार साहब की बिल्डिंग से जस्ट आगे की ही बिल्डिंग में ये दत्त साहब रहते हैं, संजय दत्त। ये इनकी गाड़ी को आप देख, कुमार के घर जाने के लिए दोस्तों ये जुहू चौपाटी अगर आप पहुंच जाते हैं तो यहां से आप सीधे जाइए हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर। यहां से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर। उसके सामने वाली गली से आप सीधे चले जाइए और समुद्र तट के आने से पहले उससे राइट वाली गली में अंदर मुड़ जाइए, फिर पहला लेफ्ट लीजिए, वहीं पर उनका घर आ जाएगा। ये बीच में पड़ रहा है। तो दोस्तों ये हम एक कलाकार का घर आपको दिखा रहे हैं और इनका नाम आपने सुना ही होगा, ये डेविड धवन जी के बेटे हैं दोस्तों। और ये हम JW मैरियट होटल के पास से होकर निकल रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं खिलाड़ी कुमार साहब के घर पर दोस्तों। खिलाड़ी कुमार ने अपने लिए तो मुकाम बनाया ही, खासकर सैनिकों के लिए, हिंदुस्तान की सेना के लिए बहुत ही जबरदस्त लोगों को आगे बढ़ाया और उनके परिवार को आगे बढ़ाया है दोस्तों। ये प्राइम बीच प्लॉट नंबर 1 पर रहते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं दोस्तों। और यहीं पर एक और उम्दा कलाकार रहते हैं जिनका नाम है जी हां ऋतिक रोशन, ये फोर्थ फ्लोर पर यहां पर रहते हैं दोस्तों। ये प्राइम बीच प्लॉट नंबर 1 ये समुद्र के किनारे पर ही स्थित है ये बिल्डिंग जो है, और इसको हम समुद्र के पास से भी आपको दिखाएंगे। प्राइम बीच प्लॉट नंबर 1 अगर आप गूगल में भी डालेंगे ये लोकेशन को तो आप ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार के घर पर पहुंच सकते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी उसमें। और ये हम जुहू चौपाटी के इधर से ये दिखा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ये आलिया भट्ट के घर, ये सिल्वर बीच अपार्टमेंट में यही पास ही में यहाँ पर ये रहती हैं। और भट्ट साहब ने बड़ी मेहनत करी और लेकिन इस लड़की ने भी बड़ी मेहनत के बाद अपना मुकाम हासिल कर लिया। और अब हम जा रहे हैं दोस्तों जलसा के पास से, जिसमें कि अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी के साथ में रहते हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ में। और यहाँ से ये जो आप आगे ये पेड़ देख रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट में हम लोग टर्न लेंगे और यहीं पर आ जाएंगे आपके गरम धर्म का घर, जिन्हें सब अपने जैसे लगते हैं। इन्होंने फिल्म भी बहुत अच्छी बनाई थी, क्योंकि अपने ही अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं दोस्तों। ये हम इनका घर का गेट यहाँ पर दिखा रहे हैं धर्म जी का,
ये धर्म जी धर्मेंद्र, ये जुहू में इनका घर। दोस्तों, जब इंसान मेहनत करता है तो उसकी पीढ़ियां तक सुधर जाती है। इनके बेटे सनी देओल साहब ने भी बहुत मेहनत करी और ये धर्म जी का हम व्हाइट शॉर्ट्स में उनका बंगलो यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इसी के सामने स्थित है शिव शक्ति, जो कि अजय देवगन और काजोल यहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों, इनके पिता बहुत ही फाइट मास्टर थे, वीरू देवगन साहब। उन्होंने भी बड़ी मेहनत करके कहते हैं ना, इंसान जो व्यक्ति मेहनत करता है तो ईश्वर उसका साथ जरूर देता है। और अजय देवगन साहब ने भी बहुत ही मेहनत करी और इन्होंने शादी करी काजोल से। शिव के बहुत बड़े भक्त होने के कारण इन्होंने अपने घर का नाम शिव शक्ति रखा है। हमेशा जो है ये हाथ में एक कड़ा पहनते हैं जिस पे ओम नमः शिवाय लिखा रहता है। हमने इनके साथ में बहुत सारी फिल्मों में काम किया है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। यहीं पर आता है दोस्तों बड़े बड़े कलाकार, यहीं पर डैनी डेंजप्पा और हेमा मालिनी जी का घर है और बहुत ही बड़े बड़े कलाकारों का घर है, लेकिन आज के दौर में वो चर्चित उतने नहीं हैं। और फिलहाल हम यहाँ पर ये इन बंगलोज में भी, जो ये राइट साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी शूटिंग होती है। हमने बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर की है। और दोस्तों, ये जो पूरी जो लाइन हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर सब फिल्म स्टार्स के ही बंगलोज यहाँ पर है, जैसे कि बताया हेमा मालिनी और ये डैनी। और दोस्तों, ये हिंदुस्तान के बिग बी का घर है राइट साइड में, जो कि प्रतीक्षा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और अब हम पहुंच चुके हैं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के घर, जो कि इनके सपनों का घर है दोस्तों। ये खार जिम खाने के पास में ही स्थित है, ये श्री बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। बहुत प्यार से दोनों ने इसको सजाया, ये आप देख सकते हैं, ऊपर से दीपिका और रणबीर देख रहे हैं और ये इनकी तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आई हैं और बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। बड़ी ही मेहनत करी है दीपिका ने भी। दीपिका बीच में शादी से पहले कुछ समय के लिए डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन ईश्वर ने उनको बाहर निकाला। ईश्वर के करीब जो रहता है इंसान और जो हमेशा प्यार से रहेगा, उसे ऊपर वाला हमेशा सुरक्षित रखता है। और दोस्तों, ये माउंट मैरी चर्च पेंड्रा वेस्ट में आता है। ये इसलिए बताया गया है कि ये शाहरुख खान साहब के घर के बिल्कुल करीब पड़ता है। ये बहुत ही फेमस पॉइंट है, ये माउंट मैरी चर्च पेंड्रा वेस्ट में पड़ता है और शाहरुख खान साहब के घर के बिल्कुल साइड में ही ऊपर की साइड स्थित है। तो अगर आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं, पहले आप गॉड से मन्नत मांग सकते हैं कि आपकी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है दोस्तों। अब हम यहाँ से इस ढलान से चल रहे हैं शाहरुख खान साहब के घर पर, जिससे कि ये बैंड स्टैंड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये जो पूरा इलाका है बैंड स्टैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कपल्स लोग भी दोपहर में बहुत बैठते हैं और यहाँ पर प्रेमीगण, मतलब जो प्रेम करने वाले जोड़े रहते हैं, ज्यादातर यहाँ पर आप उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बैंड स्टैंड है दोस्तों। यहाँ पर अब हम आपको किंग खान, शाहरुख खान का घर हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसे मन्नत के नाम से जाना जाता है और ये बैंड्रा वेस्ट में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर आने के लिए आपको बैंड्रा स्टेशन से आप बस के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं और ऑटो करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। मात्र 30 रुपया ही आपका खर्च होगा। और ये मन्नत
हम शाहरुख खान साहब का बंगलो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और ये यहाँ पर पूरा दृश्य बैंड स्टैंड का हम आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों दिखा रहे हैं। बड़ी ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर और शाहरुख खान साहब ने इसीलिए यहाँ पर ये घर खरीदा है। इसी बिल्डिंग में करीना कपूर रहते हैं और ये करीब से जाकर हम समुद्र को दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा ही देखिए आप लहरें उठ रही हैं, ईश्वर प्रकृति का आनंद आप यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। और ये वाइड शॉट में हम शाहरुख खान साहब का घर अब आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसा लगता है। ये आप देख सकते हैं, हम एरो के माध्यम से ये आपको ये दिखा रहे हैं शाहरुख खान साहब का घर। ये कांच की बिल्डिंग भी पूरी पीछे शाहरुख खान साहब के घर की ही है दोस्तों। और अब हम आपको ये ताज लैंड्स एंड होटल दिखा रहे हैं बांद्रा वेस्ट में। यहाँ पर भी ना जाने कितनी फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग होती है। ये गेट का दृश्य हम आप लोगों को ये होटल का दिखा रहे हैं और ये यहाँ बैक साइड में इस होटल में ऐसा बना हुआ है दोस्तों। कभी भी आप इस होटल में अगर आप आते हैं तो रियली मजा आ जाएगा। हम लोगों ने तो बहुत ही शूटिंग की है इस होटल में और यहाँ पर बड़ा ही आनंद आ जाता है दोस्तों। और यहाँ एक रेस्टोरेंट है बिल्कुल पास ही में। हम यहाँ से शाहरुख खान साहब के घर से यहाँ पर निकल गए, राइट साइड में ही रेस्टोरेंट है जिसमें कि सलमान खान साहब कॉफी पीने कभी भी आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अगर कभी भी देखना हो तो यहाँ पर मोस्टली ज्यादातर कभी वॉकिंग करके आ जाते हैं और कभी साइकिल से आ जाते हैं। उनका जब मूड होता है वैसे ही आ जाते हैं। वो बड़े ही मस्त मौला इंसान है अपने भाईजान। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं आपको लेकर अपने भाईजान के घर पर जिन्हें सलमान खान साहब के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह गरीबों के लिए बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग ह्यूमन के नाम से इन्होंने संस्था चला रखी है और यहाँ इनके बंगले के सामने सुबह यहाँ पर लाइन लगी रहती है और लोगों को ना जाने कितना पैसा ये बांटते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं सलमान खान साहब के घर पर, गैलेक्सी अपार्टमेंट जो कि बांद्रा वेस्ट में आता है दोस्तों। यहाँ पर आने के लिए आप ऑटो रिक्शा से आएंगे तो आपके 20 रुपया ही खर्च होंगे और यहाँ पर आप सलमान खान साहब के घर पर पहुंच सकते हो। बांद्रा स्टेशन अगर आप उतरते हैं तो वहां से ऑटो करके आप पहुंच सकते हो और ये ईद की बधाई यहीं से देते हैं। ये हम आप लोगों को यहाँ पर ये दृश्य दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ईद की बधाई देते हुए सलमान खान साहब दिख रहे हैं। यहाँ पर इतना जमावड़ा हो जाता है ईद के दौरान या किसी भी क्रिसमस के दौरान भी यहाँ पर ये बाहर आते हैं और लोगों को बधाइयां देते हैं दोस्तों। तो ये हम गैलेक्सी अपार्टमेंट को दिखा रहे थे, भाईजान के घर को, ये गैलेक्सी अपार्टमेंट का क्लोज शॉट। और दोस्तों ये ऑफिस है, ये सलमान खान साहब और सोहेल खान साहब का ऑफिस है यहाँ पर। यहाँ पर आप अगर फिल्मों में आने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये इन्हें कौन भूल सकता है दोस्तों, ये सचिन तेंदुलकर साहब का बंगला है, ये भी बांद्रा में ही स्थित है दोस्तों। सलमान खान साहब के घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों अब हम निकल पड़े हैं जबरदस्त जिन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तीसरे खान। ये भी बड़े ही अद्भुत हैं। ये जो ठान लेते हैं जिंदगी में वो कर डालते हैं। गजनी फिल्म में हमने कैमरामैन की भूमिका निभाई थी इनके साथ में। वाकई लाजवाब इंसान है क्योंकि जो ठान लेते हैं वो कर डालते हैं, दंगल हो, गजनी हो या कोई भी। इसीलिए इन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से बुलाया जाता है।
तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान साहब के घर पर। ये कार्टर रोड बैंड्रा वेस्ट में रहते हैं। ये सलमान खान साहब के घर से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये जो जगह है जोगस पार्क के पास में स्थित है। ये फरीदा 183A ये बिल्डिंग का नाम है दोस्तों। ये इसमें इन्होंने 2 फ्लैट खरीदे हैं जो कि 60 करोड़ के खरीदे हैं और इनका बंगला पाली हिल पे भी स्थित है और इन्होंने अपनी पत्नी के लिए जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर थी एक फिल्म के दौरान इन्होंने शादी कर ली थी। और दोस्तों कहते हैं ना जब इंसान को ऊपर वाला नवाजता है तो सारी चीजें दे देता है। तो ये हम लोगों ने आपको दिखाया आमिर खान साहब का घर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर लिख भेजिएगा। और अब हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारे दर्शकों को कुछ नई नई चीजें इंडस्ट्री से रिलेटेड हम आप लोगों को दिखाते रहें। तो दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बाय बाय।